अस्सलाम वालेकुम स्टडी ऑनलाइन एमपीसीएस में खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 11 12 एंड 13 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे घर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और इनमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन 11 है, लॉग बेस 32 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है ये हमने लास्ट वीडियो में समझा है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले हम बेस लिखते हैं यानी ए लिखते हैं। तो ये 32 जो है ये बेस है, ठीक है। फिर हम एक्सपोनेंट या पावर लिखते हैं, तो ये -1/5 जो है ये पावर है या एक्सपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ हम एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब हम फैक्टर्स बनाएंगे, उसके लिए हमें 32 का एलसीएम लेना है। टू 16 जै 32, टू 8 जै 16, टू 4 जै 8, टू 2 जै 4 एंड 2 अंदर 2, ठीक है। हमने 32 का एलसीएम ले लिया है और उसके बाद हमारे पास आया है 2 raised to power 5, ठीक है। यानी 2 की पावर 5, यानी ये 2 5 टाइम है, 1 2 3 4 5 -1/5 हम इसी तरह से लिख देंगे और एक्स भी इस तरह से लिख देंगे। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा। अब 2 की पावर -1 है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इसकी पावर प्लस में हो जाए, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1/2, ठीक है। 2 की पावर माइनस में है, जब इसको हम नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और प्लस का 1 हम शो नहीं करते, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, यही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, लॉग बेस 4 ऑफ x इज इक्वल टू -3/2। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतारेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सबसे पहले बेस लिखते हैं, तो बेस क्या है 4। फिर हम पावर लिखते हैं, पावर है 3/2, और फिर हम एक्स लिखते हैं। हमें इसको सिंपल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, ठीक है। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 2 raised to power 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर -3/2 है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब ये 2 raised to 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर सिर्फ -3 रह जाएगी। अब ये 2 की पावर माइनस में है, हम चाह रहे हैं कि पावर जो है प्लस में हो जाए, तो उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 करके लिख देंगे। और ये जो पावर माइनस में है, जब ये 2 नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, तो अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम सबको मालूम है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है 8,
टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एट। एक्स की वैल्यू वन अपॉन एट हमारे पास आ गई है। अब हम इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एट ये आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतारेंगे। अब ये स्टेटमेंट हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करें, तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले बेस लिखते हैं यानी 10, ठीक है, बेस 10 है। फिर हम उसके एक्सपोनेंट या पावर लिखते हैं, तो पावर क्या है, -4 और एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब ये 10 की पावर -4 है, ठीक है, हम इसको प्लस में कर देंगे। प्लस में करने के लिए इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/10, और ये पावर प्लस माइनस में है, जब ये नीचे आएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, एक्स हम उस तरह से लिख देंगे। अब 10 की पावर 4 है, इसका मतलब 10 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब 1/10,000 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0001, ठीक है। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0.0001, ठीक है।